I would like to call upon Mr. Ansid Naqvi, CEO at Asani.io, and he'll be talking about sustainable water management solutions. Assalamu alaikum. Mera naam Ansid Naqvi hai. I'm the founder of Asani.io. Takriban 4 saal pehle humne ye startup shuru kiya tha ek bahut chote se kamre se Shah Faisal mein. Aur pehla hamara jo customer tha, he was a 65-year-old person jo raat ko hafte mein 4 dafa 4 ghante aake apni motor ke paas baitha rehta tha. Kyunki upar nahi ja sakta tha wo aur wo usko chadhne mein aur aane jaane mein masta hota hai 4 4 ghante just to fill his water tank. To wahan se bahut chote level se humne start kiya tha. Karachi ke pani ke masle aapko pata hai, jo yahan pe rehte hai wo ye किसी भी सूरत में नहीं कह सकता कि भाई उसको सुकून है पानी के हवाले से. 1100 मिलियन गैलन्स पर डे की रिक्वायरमेंट है. 550 टू 650 मिलियन गैलन्स पर डे प्रोवाइड होते हैं वेयरिंग ऑन टेम्परेचर एंड डेट्स. तो हमने फोकस ये किया कि इसमें लोगों की जितनी ज़िंदगी मुश्किल हुई हुई है ना, थोड़ी सी आसानी डाल दें. सो वी स्टार्टेड डिवेलपिंग अ होल प्रोडक्ट लाइन जिसमें डैम से टैप लेवल तक anything that you can think of related to water, motor, tank, tanker and supply line, जिसमें post building construction जितना भी सारा operation हो रहा होता है, सबसे बड़ा मसला builder का यही है कि उसको पानी मिल नहीं रहा, tanker के through आ रहा है और वो जो experience जो वो बनाने की कोशिश करते हैं करोड़ों रुपये लगा के अरबों रुपये लगा के, पानी नहीं है. सो tanker के through आएगा, उसकी building ख़राब हो रही है, उसके experience ख़राब हो रहे हैं सारा. तो वो जो यूज़र 5 करोड़ की एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, 10 करोड़ के उसका फ्लैट है, उसको भी वहाँ पे पानी मौजूद नहीं मिला. तो हमने ये हार्डवेयर प्रोडक्शन सेटअप लगाया कराची के अंदर, जिसमें हम वो स्मार्ट डिवाइसेस जो अभी बिल्डर बाहर से चाइना से यूएस से यूके से मंगवा के लगाते हैं, वो हम यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस करते हैं. वेरी स्मार्ट क्लाउड कनेक्टेड, बिकॉज आई बीन डेवलपिंग दीज प्रोडक्ट फॉर यूएस मार्केट. तो हमने यहाँ पे ये सारी इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की. मकसद एक है, मुश्किल बहुत हो गई है कराची में स्पेसिफिकली, लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, उनकी ज़िंदगी आसान करनी है पानी बिजली गैस के हवाले से. 50% अनस्केजुल्ड सप्लाई है कराची में, नो सप्लाई एट ऑल या स्केजुल्ड एट ऑट टाइमिंग्स, रात को पानी आएगा. यहाँ पे बड़े लोग बैठे हुए हैं SBCA से, तो मेरा सबसे बड़ा फोकस होता है कि ये जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है या बिल्डिंग कोड्स को मैप करवाने वाली अथॉरिटी है, इसकी वजह से जितनी भी चीज़ें हुई वो हो गई. नाउ इज़ द पॉइंट जिसको हमने डिस्कस करना है कि अब इसको फिक्स कैसे करेंगे. जहाँ पे सिंगल स्टोरी बिल्डिंग अलाउड थी, वहाँ पे 10 स्टोरी बिल्डिंग कैसे बनी है? वो तो बन गई, या तो उसे तोड़ दें या तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इम्प्रूव करें. सो बिट बाय बिट हमने उन चीज़ों को ठीक करने कि सप्लाई लाइन वही रहेगा, वहाँ पे टैंकर आएगा. हमने सिर्फ मैनेजमेंट सिस्टम्स की तरफ जाना है कि भाई जब कहीं पे भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई भी अपनी मर्ज़ी का टैंक बनवा सकता है, कोई भी अपनी मर्ज़ी की बिल्डिंग बना सकता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो बन चुकी हैं, तो वहाँ पे एक सोल्यूशन जो चाइना से आना है या किसी यूके या यूएसए की मार्केट से आना है वो डिप्लॉय नहीं हो सकता. यू हैव टू प्रोवाइड अ वेरी मॉड्यूलर कि हर सिचुएशन में वो ट्वीक हो सके. तो हमने ये किया कि एक ऐसा मॉडल कि आप बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह, जितनी बड़ी भी बिल्डिंग है आपकी, घर है, विला है, आपके हॉस्पिटल है, आपकी रियल इस्टेट इंडस्ट्री है या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पानी बिजली गैस यूज़ हो रहे हैं, तो हम उसमें बिट बाय बिट सिस्टम और जो टेक्नोलॉजी के हैं वो डालते रहते हैं. और हमारा हाईली स्केलेबल मॉडल प्लेटफॉर्म है, ये पूरी प्रोडक्ट लाइन है जो कि हम एग्जिस्टिंग 500 डिवाइसेस हम लगा चुके हैं कराची के अंदर. एंड वी आर द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान जिसके पास रियल टाइम डेटा आ रहा है कि कराची में पानी कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा है, क्योंकि लोगों के घरों पर लगी हुई है. सो इंडस्ट्री स्पेसिफिक मसला ये था कि लोगों को हार्डवेयर रिस्ट्रिक्शंस आती थी, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शंस आती थी, तो हमने कहा ये हमारी मार्केट नहीं है कमाने के लिए. हमने यहाँ पे एक प्रोडक्शन हाउस लगाया, हमने बाहर एक्सपोर्ट करने हैं, बट दिस इज़ अ टेस्ट बेड फॉर अस कि इतने डिफ़िकल्ट मार्केट में से जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू अलग होगी. तो हमने ये किया कि हम वेंडर रिस्ट्रिक्शंस पूरी हटा देते हैं. इट्स अ वेरी
हाईली इंटीग्रेटेबल एंड मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एज वेल। क्या आपने पावर मॉनिटरिंग का सिस्टम लगाना है, इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। वाटर मैनेजमेंट का एंड ऑटोमेशन का सिस्टम लगाना है, जिससे वो पूरी बिल्डिंग की ऑलमोस्ट 30% कॉस्ट अप फ्रंट ऑपरेशन की कम हो जाती है, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इज़ कि पंपिंग पंप ख़राब हो रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड सारे इशूज़, ऑल्सो द लिफ्ट मेंटेनेंस एज वेल। इस तरह की हमारी डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, हाईली मॉड्यूलर, कोई भी सिचुएशन जो आप सोच सकते हैं, टैंकर के थ्रू पानी आता है, लाइन के थ्रू आता है, बोरिंग के थ्रू आता है, हर जगह के अपने मसले हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं पावर बीआई के ऊपर एग्जिस्टिंग, आप जितना भी अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं सेल्स का सॉफ्टवेयर का, ये पोस्ट डिलीवरी या ऑपरेशंस की चीज़ें हैं, जिसमें हम वाटर पावर, ये हमारा एक टावर लकी वन की जो 32 स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग है, वो हम वाटर मैनेजमेंट है उसकी एनर्जी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द लोकेशंस, मोर देन 500 हमने कराची में डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं। द मेन थिंग इज़ कि जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डाउन हो चुका है वाटर पंपिंग का, वाटर सप्लाई का, उसको अपलिफ्ट किया जाए किसी तरीके से। वेदर इट्स टैंकर, तो टैंकर की एफिशिएंसी बढ़ानी है, वेदर इट्स पाइपलाइन, जिस तरीके से भी आ रहे हैं, बोर के थ्रू आ रहे हैं, जो बिल्डिंग की सर्टिफिकेशंस हैं, लीड सर्टिफिकेशन है, एनर्जी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, नोबडी हैज़ एनी आइडिया ऑपरेशंस के अंदर कितना कराची के अंदर वेस्ट हो रहा है। सो हमने डे वन से एक काम शुरू किया कि हम सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड चीज़ें मैप करेंगे, कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो आपकी बिल्डिंग का डाटा एक जगह एक्वायर करके वो आपकी हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन फुटप्रिंट का भी डाटा दे रही होती हैं, कि आपकी बिल्डिंग का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या जा रहा है। सो दिस इज़ सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। ये हमारी क्लाइंटल है, और आई एम ग्लैड कि वी स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी small background, or alhamdulillah with my team and the support we got from people like you, humne bahut bada impact create karne ki koshish ki hai, jisme I really want to share the story ki mera jo founding member tha Heather Zaidi, uski last year tanker ke niche aane se death hui thi. So talking about these things ki bhai hum building bana lenge, construction kar lenge, hum bahut sari cheezon mein operation efficiency bana lenge, लेकिन वो जो टैंकर आ रहे जस्ट बिकॉज के किसी के पास पैसा था और वो टैंकर बुला सकता था, और किसी ने पानी वेस्ट किया और उस बंदे को नहीं मिला जिसके पास पैसा था। सो अभी तक हमने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया विद दीज मोर देन 500 डिवाइसेस, वी हैव बीन एबल टू सेव मोर देन 32 मिलियन गैलन्स ऑफ फ्रेश वाटर इन अ वेरी वाटर स्कार्स्ट सिटी लाइक कराची। 2.5 लाख पर मंथ पर ईयर के हिसाब से मिनिमम कराची की डोमेस्टिक सेटिंग में पैसा सेव करके देते हैं हम पानी की ऑटोमेशन के थ्रू। इस टाइप की हमारी डिवाइसेस होती हैं पूरे कराची में लगी हुई हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स के साथ अभी हम काम करना शुरू किए हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज़ लकी टावर्स, तबा ग्रुप के साथ हम फुल टाइम काम कर रहे हैं, आ खान के साथ हम काम कर रहे हैं। इन सब को बताने का मकसद ये है कि जो लोकल हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर है, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दैट पर्सन, तो अपने मुल्क इकॉनमी के अंदर जो वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट के लिए काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लाइक अस, हमारा तो एक आगे का फुटप्रिंट बन चुके हैं, लेकिन लोकल प्रोडक्शन का सपोर्ट आपने करना है। यू हैव द पावर्स, यू हैव एवरी ऑप्शन टू सपोर्ट हार्डवेयर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। ये सारी डिवाइसेस होती हैं।